हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्नोमिर्ज़ा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में यार हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं iBall के वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का। एंड दैट्स, इसे मैंने परचेस किया था ऑफर में, जो कि मुझे प्राइस पड़ा था 700 रुपीज। एंड दैट्स, इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए, तो वहां से जाकर भी इसे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यार इसकी अनबॉक्सिंग आप जरूर देख लें, एंड दैट्स इसका एक फाइनल रिव्यू भी आप देख लें कि क्या ये कीबोर्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है हमारा iBall का Dusky Duo 06 वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। अनबॉक्सिंग से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर यार आप लोग चाहते हैं कि ये कीबोर्ड मैं आप लोगों को दे दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यार एक वायरलेस कीबोर्ड यूज कर रहा हूं गेमिंग वाला, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक कॉमेंट नीचे इस कीबोर्ड के रिगार्डिंग करें कि आपको ये कीबोर्ड क्यों अच्छा लगता है। और अगर फ्रेंड 100 लाइक हो गया, यानी कि 100 लाइक यार बहुत ही आसान है, तो अगर 100 लाइक हो गया यार, तो मैं आप लोगों में से किसी एक को रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू जो है आप लोगों को विनर बनाऊंगा। एंड दैट्स, उसकी जो पोस्टिंग होगी वो इंस्टाग्राम पे मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा कि कौन हुआ है विनर। एंड दैट्स, आने वाले समय में यार आप लोगों को ये कीबोर्ड मिल जाएगा। तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। 100 लाइक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर यार देख सकते हैं iBall की ब्रांडिंग दी गई है, Dusky Duo 06 2.4 GHz कॉर्डलेस डेक सेट है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है बी टूगेदर, वायरलेस है, स्मार्ट लिंक ऑटो कनेक्ट है, लॉन्ग वर्किंग डिस्टेंस है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, नैनो यूएसबी रिसीवर है, यानी कि यार इसमें एक यूएसबी रिसीवर भी आप लोगों को मिल जाता है। पीछे की ओर भी यार कुछ इसी तरीके से स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर यार इसका ये इस तरीके से दिया गया है, मैं इसे ओपन करता हूँ और फाइनली देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कीबोर्ड मिल गया है मुझे। यहाँ पर यह है हमारा कीबोर्ड iBall का। कीबोर्ड यार काफी ही अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स, इसके जो बटन है वो काफी ही कूल दिख रहे हैं, देख सकते हैं। इसे प्रेस करने में काफी ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा यार उभरे उभरे होते हैं ना, तो उसे टाइपिंग करना काफी आसान होता है। साथ ही साथ यार यहाँ पर देख सकते हैं Dusky Duo 06 यार, इसका बॉक्स मुझे काफी अच्छा लगा। इस माउस का कीबोर्ड के ज्यादा कंपैरिजन में मुझे माउस का छोटा सा बॉक्स ही काफी अच्छा लगा, रेड कलर में है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। देख सकते हैं यहां पर मिल चुका है मुझे एक माउस। एंड दैट्स, ये है एक नैनो रिसीवर जिसे आपको कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एंड दैट्स, ये माउस के ऊपर iBall की ब्रांडिंग की गई है। पीछे की ओर यार बैटरी लगता है, तो आप जो है कोई अच्छी सी बैटरी लगाएं, क्योंकि इसमें जो बैटरी लगी होती है वो कुछ ज़्यादा पावर की नहीं होती है, तो आप लोग यार कोई भी बैटरी खरीद लें एंड दैट्स उसमें ये लगा दें। साथ ही साथ ये है हमारा कीबोर्ड, इसमें भी यार पीछे की ओर जो है लिखा हुआ Dusky Duo का स्टिकर है मेंशन किया हुआ। यहाँ पे यार ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे आई होप कि बैटरी लगती होगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो बैटरी लगती है, तो आपको यार बैटरी जो है अपना खरीद लेना है, क्योंकि इसकी बैटरी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। कंफर्ट के लिए यार यहाँ पर दो दिए गए हैं जिसे आप रख कर काफी अच्छे से टाइप कर सकते हैं। सारे बटन इसमें मेंशन है, कोई भी बटन मिस नहीं है। यहाँ पर जो है लाइटिंग के लिए भी दिया गया है कि कैप लॉक्स वगैरह अगर आप ऑन करते हैं तो लाइटिंग आएगा। हालांकि इस कीबोर्ड में लाइटिंग नहीं है। मेरे पास जो यार गेमिंग का कीबोर्ड है ना, थोड़ा महंगा है 3000 रुपीज का, बट उसमें जो RGB लाइट्स है वो काफी कमाल की है। तो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहां से जाकर भी आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये थी इसकी यार छोटी सी अनबॉक्सिंग। चलिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं लैपटॉप पर भी दिखा देता हूं आपको कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए बढ़ते हैं लैपटॉप की तरफ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यार यहाँ पर जो है कनेक्ट कर दिया है इसके रिसीवर को, एंड दैट्स यहाँ पर यार काफी ही फाइन वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो काफी फाइन काम कर रहा है। एंड दैट्स, कीबोर्ड पर भी मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आइकॉन पे यार काफी अच्छा वर्क कर रहा है, तो मुझे यार यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। एंड दैट्स, मैं विंडोज की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर यार विंडोज भी मेरा ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर यार ये काफी अच्छा काम करता है। एंड दैट्स, यहाँ पर मैं एक जो है माउस पैड ले लूंगा, तो मेरा जो माउस पैड है वो भी मुझे मिल नहीं रहा है। नहीं तो आप यार फ्लैट सरफेस पर भी किसी पर रख के यार काम कर सकते हो। बस यार ये जो है शीशे के ऊपर वर्क नहीं करता ये वाला माउस, और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ से आप बेसिकली इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड दैट सिर्फ माउस को ही ऑन करना है, कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा।
एंड दैट्स आप जो है काफी आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि गिव अवे के रिजल्ट उसी पर आने वाले हैं। और इस अगर कीबोर्ड को आप बाय करना चाहते हैं फॉर दिस प्राइस रेंज तो काफी अमेजिंग डील मिल रही है। एंड दैट्स आपके लिए यार एक और चीज है कि इस कीबोर्ड में जो है आपको वारंटी जो है वो बिल्कुल 2 साल की मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस कीबोर्ड के अंदर 2 साल की आपको वारंटी मिलती है, तो आप काफी आसानी से यार इसे यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर कोई दिक्कत आए भी तो सर्विस सेंटर है ही, आप जाकर वहां एक्सचेंज करा सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।